सावधान। सिक्योरिटी गार्ड और सिक्योरिटी सुपरवाइजर इस बात का ध्यान रखें, जब भी CSCI के अंदर ड्यूटी पर आते हो तो सबसे पहले मास्क लगाए, सैनिटाइजर करे और थर्मागन से टेम्परेचर नापे। बिना सैनिटाइजर का और बिना टेम्परेचर का कोई भी सिक्योरिटी गार्ड CSCI के अंदर ड्यूटी पर नहीं चढ़ेगा जब तक वो मास्क नहीं लगाएगा, सैनिटाइजर नहीं करेगा और थर्मागन से टेम्परेचर नहीं नापेगा। CSCI के अंदर काम करने वाला कॉन्ट्रेक्टर और ठेकेदार का आदमी, एम्प्लॉय वर्कर अधिकारी ऑफिसर विजिटर ड्राइवर कोरियर सेल्समैन, जो भी व्यक्ति प्लांट के मेन गेट से अंदर एंट्री करेंगे वो सभी लोग मास्क लगाएंगे और सैनिटाइजर करेंगे और थर्मागन से टेम्परेचर नापेंगे। इस बात का ख्याल सिक्योरिटी गार्ड और सिक्योरिटी सुपरवाइजर को हमेशा याद रखना है। आप लोगों की ड्यूटी 7 बजे है, आपको 6:45 के ऊपर प्रॉपर यूनिफॉर्म के साथ आपको ड्यूटी पर आना है। कोई भी सिक्योरिटी गार्ड अपनी ड्यूटी के दौरान सतर्क रहेगा, अलर्ट रहेगा और चारों तरफ ध्यान देगा, हर आने जाने वाले व्यक्ति पर नज़र रखेगा। सिक्योरिटी गार्ड और सिक्योरिटी सुपरवाइजर अपने कर्तव्य के दौरान नम्रता और प्रेम से बात करेगा, हर आने जाने वाले व्यक्ति के साथ नम्रता और प्रेम से बात करेगा। परेड सावधान, परेड सैल्यूट। आप पीछे चल जाओ, अरे आपने सुपरवाइजर आपने आप जाओ। जब भी कोई अधिकारी या ऑफिसर आपके ड्यूटी पोस्ट पर आते हैं और जाते हैं तो सिक्योरिटी गार्ड और सिक्योरिटी सुपरवाइजर का कर्तव्य बनता है उनको सिखाए हुए तरीके से उनको सम्मान देना है, उनको सैल्यूट करना है। डन, परेड विश्राम। सिक्योरिटी गार्ड और सिक्योरिटी सुपरवाइजर इस बात का ध्यान रखें, अपनी ड्यूटी के दौरान कोई भी सिक्योरिटी गार्ड कैप, मास्क, आई कार्ड, शोल्डर बैच, लेनियार्ड, बेल्ट और सेफ्टी शू नहीं उतारेगा। अपनी ड्यूटी के दौरान प्रॉपर यूनिफॉर्म के साथ रहेगा, टर्नआउट अच्छा रखेगा। हेयर कटिंग और शेविंग कोई भी सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर जब भी ड्यूटी पर आते हो तो शेविंग करके आना चाहिए, हेयर कटिंग कटा होना चाहिए। अगर कोई आदमी ऐसा पकड़ा गया तो उसका 5 दिन का फाइन हो जाएगा, 5 दिन का पेमेंट कट जाएगा। अगर कोई शेविंग और हेयर कटिंग नहीं करेगा, टर्नआउट अच्छा नहीं पहनेगा तो उसका 5 दिन का सैलरी कट जाएगा। इस बात का ध्यान सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर को हमेशा याद रखना है।